फलम्मा आताहा, मूसा अलैहिस्सलाम जब उस आग के पास आए, अब वो आग क्या थे? आपने देखा कि वो एक झाड़ था, एक दरख्त था, झाड़ था, जिसको बुजुर्ग फरमाते सनाए मक्की का पौधा है। कि सनाए मक्की एक हिकमत में एक दवा इस्तेमाल होती है जो हर काम में इस्तेमाल होती है, बल्कि हुक्मा जो है इसी की वजह से बरकत के लिए हर हर नुस्खे में डाल देते हैं उसको। तो उस दरख्त पर या पौधे पर देखा कि वो पूरा रोशन है उसकी शाखें, और उस आग की वजह से वो जल भी नहीं रहा, बल्कि और ज्यादा वो तरोताजा हो गया है, और ज्यादा सरसब्ज हो गया है वो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर तशरीफ लाए, फलम आता, जब उस दरख्त के पास तशरीफ लाए या उस आग के पास तशरीफ लाए, नू दिया या मूसा, तो उनको निदा की गई, ए मूसा, नाम लेके पुकारा गया, इन्नी अना रब्बुका फखला नालेका, कि बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, तुम अपनी जूतियां उतार दो। अब मूसा अलैहि सलाम ने जब दरख्त देखा, पहले हैरान हुए आप, और जब फिर अचानक आवाज आई तो फिर आप हैरान हुए कि ये किसकी आवाज आई। जब कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो मूसा अलैहि सलाम ने बेख्तियार का लब्बैक 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 के नारे लगाए, क्योंकि जो फरमा बरदार होते हैं लब्बैक ही कहते हैं, और जो फरमा बरदार नहीं होते उनको लब्बैक से चिढ़ लगती है, उनको आग लग जाती है। अल्लाह ताला हमें लब्बैक वालों में रखे। तो ये लब्बैक नबियों का नारा है, साहबियों का नारा है, और सारी उम्मत मुस्लिमा मक्का मौजमा में जाके खाना कावा के गिर जब घूमते हो तो लब्बैक के नारे लगाते हैं। तो मूसा अलैहि सलाम ने भी बेख्तियार वजद में आके लब्बैक 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 के नारे लगाए। फिर अर्ज किए, मेरे रब आप कहाँ हैं, मैं आपकी आवाज तो सुन रहा हूं। तो रब ने फरमाया कि मूसा, मैं तुम्हारे आगे भी हूँ, तुम्हारे पीछे भी हूँ, तुम्हारे दाएं भी हूँ, तुम्हारे बाएं भी हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हारे करीब भी हूँ। तो अब मूसा अलैहि सलाम से पूछा गया कि हर तरफ से मुझे आवाज आ रही थी, तो अब ये रब की तजल्ली थी। फिर आपसे कहा गया कि आप अपनी नालेन उतार दें, नालेन कहते जूतियों को। तो असल में मुहद्दिसीन ने लिखा कैसे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो नालेन पहनी हुई थी वो एक मुर्दार गधे की खाल की थी। वो गधा मर गया था जिसकी खाल किसी ने उतार के उसकी जूतियां बना दी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम को जरूरत थी, आपने पहन ली थी, क्योंकि सख्त सर्दी का इलाका था वो, और चमड़े के जूते पहने जाते थे पहले। तो उसके नापाक होने की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन जूतियों को उतार दे, इन्नक बिल वादिल मुकद्दस तुआ, कि बेशक आप पाक जंगल तुआ में हैं। तो ये पूरे सीना है, एक पहाड़ है, ये इसी तरफ है फलस्तीन की तरफ या इसके इर्द गिर्द के इलाके में, शाम के इलाके में। तो यहाँ पर एक वादी है जो पथरीली वादी है, और इसको मुकद्दस वादी करार दिया गया। तो या तो मुकद्दस इसलिए होगी, खुद अल्लाह ताला की तजल्ली वहाँ पे हुई है, उसकी सिफात की तजल्ली हुई, या ये कि अल्लाह ने वहाँ पर बाद रिवायतों के मुताबिक काफिरों को निकाल दिया था, नेक मुसलमानों को छोड़ दिया था वहां पर। क्या इस पाक वादी के अंदर आप अपनी जूतियां निकाल दें, उसे पीछे उतार दें। तो पता चला कि मुकद्दस जगहों पर अगर जाए तो इंसान जूतियां उतार दे, ये मस्जिद में जाता है तो ये अदब का मकाम है। तो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में घोड़े पे भी नहीं बैठे। कहा कि मुझे हया आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस जमीन को अपने घोड़ों की सुमो से रूंधूं कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। और पूरी जिंदगी आपका यह मामूल रहा कि कभी भी आपको रफा हाजत करनी होती थी, पेशाब पखाना करना होता था, तो मदीना मुनव्वरा में नहीं करते थे, अदब की वजह से हमेशा मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते थे और बाहर हाजत से फारिग होकर आते थे। यह अदब था कि मैं मदीना मुनव्वरा में ये काम कैसे करूँगा। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इस वादी के एतबार से
अदब का हुक्म दिया। और बाद रिवायतों में ये भी आता है कि जब सैयद सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर उड़ते हुए तशरीफ ले जा रहे थे, इब्न अबी मुस्तनफ इब्न अबी शेबा में रिवायत है, तो उनको निदा हुई कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम आप जूते उतार दीजिए, आप इस वक्त मदीना मुनव्वरा से गुजर रहे हैं। तो ये भी अदब जो है आया हदीस में, तो पता चला कि मुकद्दस जगहों पर जूते उतार देना चाहिए।